हाय गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। देखो जीरोज क्या होते हैं पॉलिनोमियल, जैसे हमने लास्ट वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल इक्वेशन कैसी होती है, लीनियर पॉलिनोमियल कैसे होते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे होते हैं और आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे होते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। तो हमारा आज का टॉपिक है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, क्लियर। अब देखो पॉलिनोमियल हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, अब हम बात कर रहे हैं जीरोज। यहाँ पर जीरोज का मतलब ये नहीं है कि वो जीरो हो जाए, ठीक है। जीरोज का मतलब यहाँ पर है कि एक इक्वेशन जो हमारे पास पॉलिनोमियल इक्वेशन होगी और एक ऐसा नंबर जो उस इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। तो सेटिस्फाई करने का मतलब है कि उस इक्वेशन को टोटल जीरो बना दे, तो वो क्या होगा, उस इक्वेशन का जीरोज होगा, क्लियर। तो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल लेकर के बता रहा हूँ किस तरीके से कोई भी इक्वेशन का हम जीरोज फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम एक एग्जाम्पल के साथ। जैसे कि मेरे पास एक एग्जाम्पल है, क्लियर। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस के थ्री एक्स माइनस के फोर, ठीक है, माइनस के फोर। तो देखो यहाँ पर ये आपकी एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, ठीक है, और इसमें आपको बताना है कि ये इक्वेशन का जीरोस क्या होगा, ठीक है। तो जैसे हमारे पास इसने दे दिया कि एक्स इज इक्वल टू माइनस का वन, क्लियर, इसने हमें एक जीरो दे दिया एक्स इज इक्वल टू माइनस का वन, क्लियर। तो अब हमें बताना है कि ये इस इक्वेशन का जीरो है या नहीं, क्लियर। तो हम कैसे बताएंगे कि ये इक्वेशन का जीरो है, तो हम कैसे बताएंगे, देखो हम क्या करेंगे, जहां पर भी हमारे इक्वेशन में एक्स है वहां पर हम क्या रख देंगे, एक्स की वैल्यू माइनस वन रख देंगे और फिर हम देखेंगे कि इक्वेशन जीरो बन रही है या नहीं बन रही है। तो देखो स्टार्ट करते हैं, हमारे पास जो पी एक्स है वो इस तरीके से पॉलिनोमियल इक्वेशन जो हमारे पास गिवन है वो एक्स स्क्वायर माइनस के थ्री एक्स एंड माइनस के फोर, क्लियर दैट। अब इसने कहा कि एक्स इज इक्वल टू माइनस वन पे आपको चेक करके बताना है। तो देख लीजिए यहाँ पर मैं पी मतलब एक्स की जगह माइनस वन रख लेता हूँ, तो मैंने यहाँ पर माइनस वन रख लिया है एक्स के प्लेस पर, माइनस के थ्री इंटू माइनस वन एंड माइनस के फोर, क्लियर। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अब देख लीजिए माइनस वन का स्क्वायर होगा प्लस के वन और प्लस माइनस कितना हो जाएगा, ये देखो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के थ्री और माइनस के वन की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पर आपका प्लस के थ्री आ जाएगा एंड माइनस के फोर, और ये देख लीजिए आप प्लस के फोर एंड माइनस के फोर और ये आ जाता है जीरो। देन वी कैन से दैट, तब हम कह देंगे कि माइनस वन क्या है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन है। तो आपको समझ में आया होगी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होता है। ऐसे ही मैं एक नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको लेकर के बता देता हूँ कि कैसे हम जीरो फाइंड आउट करते हैं किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन के। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो ये था आपका एक बहुत छोटा सा बेसिक सा एग्जांपल जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन का, क्लियर। अब देखो एक चीज और आती है, सम ऑफ जीरोज। देखो आपके पास कोई भी एक पॉलिनोमियल इक्वेशन गिवन होगी, उसका उन जीरोस का हम सम कैसे निकालेंगे, तो उन जीरोस का सम निकालने के लिए देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है आपका माइनस के बी अपॉन ए, क्लियर, माइनस के बी अपॉन ए, क्लियर। तो माइनस के बी अपॉन ए मतलब कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशियंट ऑफ एक्स, क्लियर। देख लीजिए यहां पर मैंने आपको बताया सम ऑफ जीरोस, तो जैसे आपके जीरोस निकलेंगे उस किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन के, तो उनका सम क्या होगा, उनका सम होगा आपका माइनस के बी अपॉन ए, और बी माइनस के बी अपॉन ए है क्या, तो देख लीजिए कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशियंट ऑफ एक्स। जैसे कि मेरे पास कोई भी एक इक्वेशन है, ये हमारे पास पॉलिनोमियल इक्वेशन है, तो इस पॉलिनोमियल इक्वेशन का सम ऑफ जीरोस क्या होगा, माइनस के बी अपॉन ए, क्या होगा, माइनस के बी अपॉन ए, क्लियर। तो यहां पर बी की वैल्यू है, ये ए की वैल्यू हो जाएगी, ये बी की वैल्यू हो जाएगी एंड दिस इज सी। तो हमें क्या निकाला है, सम ऑफ कॉफिशिएंट, सम ऑफ जीरोस निकाला, तो होता है माइनस के बी अपॉन ए, मतलब माइनस इंटू माइनस के थ्री अपॉन ए, मतलब क्लियर। यहां पर जो कॉफिशियंट ऑफ एक्स होगा वो कितना हो जाएगा, वन, तो कितना जाएगा, माइनस के थ्री, सॉरी प्लस के थ्री, क्लियर। नेक्स्ट वन इज आता है आपका प्रोडक्ट ऑफ
जीरोस। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी होता है आपका सी अपॉन ए, क्लियर, सी अपॉन ए, क्लियर, सी अपॉन ए, एज इट इज आपका ये हो जाएगा कोफिशियंट ऑफ टर्म, कॉन्स्टेंट टर्म एंड कोफिशियंट ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये था आपका किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन का जीरोस निकालना, किस तरीके से हम जीरोस निकालते हैं और जीरोस क्या होते हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन के। तो आपके जीरोस का सम हो जाता है माइनस के बी अपॉन ए, ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्लियर। और ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। अब हमें किसी भी इक्वेशन के फैक्टर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे कि ये इक्वेशन है इसके हमें फैक्टर करने की जरूरत नहीं है, तो आप डायरेक्टली वहां से सम ऑफ जीरोस निकाल सकते हो, और क्या निकाल सकते हो, सम ऑफ जीरोस भी निकाल सकते हो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी निकाल सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर और कुछ एग्जांपल और क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।